नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस फटिक की माला से मंत्र जाप किया जाता है और बहुत से लोग इस फटिक की माला के अंगूठी भी धारण करते हैं, यानी कि इस फटिक की अंगूठी पहनते हैं। इस फटिक को नग के बजाय माला के रूप में पहनना ज्यादा अच्छा होता है और इसका शिवलिंग भी बनाए जाते हैं। जो इस फटिक की शिवलिंग होता है ये बहुत ही पवित्र चीज माना जाता है। इस फटिक के गणेश भी मतलब मार्केट में बिकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रत्येक मनुष्य को इस फटिक की माला क्यों धारण करना चाहिए, इस फटिक की माला धारण करने से हमें क्या फायदा होते हैं, आज के इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले। इससे पहले अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के अच्छे अच्छे जानकारी आपको भी सीखने को मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े। देखिए मित्रों, इस फटिक को अंग्रेजी में राग क्रिस्टल कहा जाता है, संस्कृत में सीतोपल कहा जाता है, शिवप्री भी कहते हैं, कंचन मणि के नाम से भी जानते हैं और कई जगह इसे फिटक के नाम से भी जाना जाता है। यह सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर के बने जाते हैं। ठीक है, तो मित्रों ये पारदर्शी होते हैं, पत्थर के समान होते हैं, सफेद रंग के चमकदार दिखाई देते हैं, बहुत ही आसानी से आंखों से पारदर्शी रूप में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जानते हैं कि इस फटिक की माला धारण करने से क्या फायदा होते हैं। पहला फायदा है, इस फटिक की माला पहनने से किसी भी प्रकार के जैसे कि भय है, घबराहट है, ये नहीं रहता, मन में सुख शांति और धैर्य बना रहता है। दूसरा फायदे, ज्योतिष के अनुसार इस फटिक की जो माला है अगर कोई भी व्यक्ति धारण करते हैं तो धन संपत्ति रूप बल वीर्य और यश की प्राप्ति होती है। तीसरा फायदा, इसके माला से किसी भी मंत्र का आप जप करते हैं तो वह मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। चौथा फायदा, इसकी भस्म से ज्वर, पित्त विकार, निर्बलता और रक्त विकार जैसे जो बीमारी होती है वह ठीक हो जाती है। पांचवा फायदे, इस फटिक की माला को भगवती माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इस फटिक की माला धारण करने से शुक्र ग्रह के जो दोष होते हैं वह दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही सोमवार को इस फटिक की माला धारण करने से मन में पूर्णता शांति की अनुभूति होती है एवं सिर दर्द नहीं होता। इसके बाद मित्रों, मैं अपने खुद के व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति अगर इस पट्टी की माला धारण करते हैं तो उसे अमीर बनते देरी नहीं लगती अगर सीधे इस पट्टी की माला धारण किया जाए। हमारे वीडियो में बताया गया तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति इस पट्टी की माला धारण करेंगे तो उन्हें अमीर बनने से यानी कि धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकते। इस पट्टी की माला धारण करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी हमेशा साथ देती है, नव दुर्गा दुनिया के समस्त जितने भी देवी शक्ति है आपकी मदद करती है। बार बार अगर आप असफल हो रहे तो इस पट्टी की माला अवश्य धारण करें। नौकरी रोजगार में जो जिन लोगों को परेशानी हो उन्हें भी इस फटिक की माला धारण करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए या अष्ट लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस फटिक की माला धारण करना चाहिए। मन को अगर आप चाहते हैं कि बार बार आप चिड़चिड़ेपन है, बार बार आपको क्रोध आता है तो इस फटिक की माला धारण करें। इसे चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है, इसे हर प्रकार के रोग से भी ये हमें छुटकारा दिलाता है। तो किस प्रकार इस फटिक की माला धारण किया जाए जिससे हमें पूर्णता लाभ प्राप्त हो, तो मित्रों इस फटिक की माला को गौमूत्र में 24 घंटे के लिए डुबा करके रखा जाता है जिससे सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे दिन आपको गंगा जल में 24 घंटे के लिए डुबा करके रखना है। तीसरे दिन आपको दूध में 24 घंटे के लिए डुबा करके रखना है। इस प्रकार 3 दिनों तक इसे अलग अलग क्रियाओं से सिद्ध किया जाता है। तो पहला है आपको जो है गौमूत्र, गंगा जल, फिर आपको सफेद दूध में यानी कि दूध में डुबा करके रखा जाता है। इसके बाद इसे माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कर दें। माँ लक्ष्मी को 24 घंटे के लिए पहना करके आप रख दें, इसके बाद ये जो सिद्ध हो जाएंगे फिर आप इसे धारण कर सकते हो। तो इसे पूर्णता लाभ प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति इस उपाय से इस पट्टी की माला धारण करते हैं उसे धनवान बनने से कोई नहीं रह सकते। माँ लक्ष्मी सदा उनकी मदद करती है क्योंकि इस पट्टी में माँ लक्ष्मी की संपूर्ण शक्ति समाहित होती है। तो आशा करता हूँ वीडियो में बताए गए तरीके आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।